सीहोर जिले की इछावर सोसाइटी खेरी आमला रामजीपुरा की भावखेड़ी और खेरी के किसानों ने सोसाइटी में खाद नहीं मिलने को लेकर प्रदर्शन किया और किसान सोसाइटी के प्रांगण में सुबह से शाम तक खाद के इंतजार में बैठे रहे, लेकिन किसानों को खाद नहीं मिला। वहीं सोसाइटी के जिम्मेदार भी सोसाइटी से नदारद हो गए। किसानों का कहना है कि सोसाइटी के मैनेजर का इंतजार करते रहे, लेकिन सोसाइटी मैनेजर का अभी तक कोई पता नहीं है और मोबाइल भी बंद कर लिया है। अंधेरा देख किसान दिन भर परेशान होकर बिना खाद के ही अपने घर लौट गए। जिम्मेदारों के प्रति किसानों में भयंकर रोष दिखाई दिया। बता दें, जिस सोसाइटी के मैनेजर को किसान ढूंढ रहे थे, वहां बताया जाता है कि इछावर बैंक में बैठा था। वहीं सोसाइटी के गेट पर किसान अपने आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों को गेट पर रखकर खाद मिलने का इंतजार करते दिखाई दिए थे। खास बात यह है कि कृषि मंत्री के संसदीय क्षेत्र के किसान खाद के लिए परेशान है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? राजेश पटेल, आमला रामजीपुरा। ये कौन सी सोसाइटी है? आमला रामजीपुरा प्लस भूखेड़ी। यहाँ खाद के लिए आप कब से खड़े हैं लाइन में? हमें 7 बजे से लगे लाइन में। अच्छा, अभी तक कोई खाद नहीं मिला हमें। तो यहाँ के अधिकारी जो जिम्मेदार हैं, उनका क्या कहना है? वो मतलब कोई आए नहीं रहे, अधिकारी कोई जवाब नहीं दे रहे कुछ भी। अच्छा, और मैनेजर साहब को फोन लगाया, मोबाइल बंद कर लिया उनका। मतलब कोई नहीं है यहाँ पे, कोई नहीं है, मतलब पूछ परख करने वाला कोई नहीं है अपनी। जो किसानों की वो कहने से नाम है भाई साहब आपका? ये कौन सी सोसाइटी है? ये अपना रामजीपुरा मुख्यालय भावखेड़ी। ये आप जो सोसाइटी के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है मामला पूरा? प्रदर्शन नहीं कर रहा, सुबह 7 बजे के खड़े खाद के लिए। अच्छा, मैनेजर भूखे खड़े हैं। मैनेजर साहब यहाँ है नहीं, और जो यहाँ कर्मचारी वो कोई सुनने को भी तैयार नहीं कि मैनेजर साहब आपका फोन बंद आ रहा सुबह से, कब से आ रहा, खाद ही नहीं मिला, खाद ही नहीं मिला। भाई साहब, क्या नाम है आपका? लकराम वर्मा। कहाँ की सोसाइटी है ये? अमना रामजीपुरा प्लस भावखेड़ी जी। क्या मामला ये खाद का आप लोग खड़े हैं? मामला सर ये है जी कि 12 रोज पहले से 5 बार आ चुका हूँ जी। वो कह रहे हैं कि अभी आईटी नहीं आई। उनसे ये बोला मैनेजर साहब से कि आप आईटी के चक्कर में क्यों बैठा कर रखते हैं, और लोगों रोज डेली आते हैं और रोज जाते हैं, तो आप एक काम करिए कि जब आप खाद बांट दोगे किसानों को, तो आपकी मशीन लेकर किसानों के घर पहुंचा देना, आपका आदमी निवरे रहेंगे फुर्सत में, कर्मचारी आपके जी। तो उनका अंगूठा वहां लगवा लेना आप जी। तो नहीं कहे हम ऐसा नहीं करते करेंगे, फिर जब ऐसा नहीं करेंगे तो खाद, वो कह रहे हैं कि हम तो एक दम ही बांटेंगे। अब एक दम बांटने में जो सुबह दिन निश्चित नहीं कर रहे हैं, हम सुबह 7 बजे के यहाँ बैठे हैं, भूखे बगैर खाए पिए, जब भी अभी हाल नंबर नहीं आया और खत्म हो गया, खाद ही खत्म हो गया। बिना परमिट कटी, बिना परमिट हम तो कट ही नहीं रहे, जब तक तो वो बगल से परमिट कट के ना खाद बट जाता है।